This is the part 2 video of this Chandigarh trip, and in this video I'm going to take you to the most amazing, interesting, enjoyable place of this rock garden. And the most important part of this video is going to be that I'm going to take you to that place where this clip Rathalambiya have been shooted. And after this we will go to the Sukhna Lake. Let's get into the video. Right from here we will enter into the phase 3 of the rock garden. और ये फेज 3 के कुछ अमेजिंग सीन्स हैं। फ्रॉम हियर यू विल एंटर इनटू द एक्वेरियम एंड नेक्स्ट टू द एक्वेरियम यू विल फाइंड द मिरर गैलरी एंड नेक्स्ट टू द मिरर गैलरी there is a cafeteria and next to it you will gonna find souvenir shop. आप यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग कर सकते हो. मैं चाहती थी कि मैं पूरा वीडियो कवर करूँ इस souvenir shop का, बट उन्होंने मना कर दिया, तो मैंने सिर्फ ये जो फ्रिज मैग्नेट है वो ले लिया है. एंड आफ्टर वॉकिंग थ्रू द फेज 1 यू कैन टेक रेस्ट ओवर हियर एंड आफ्टर दैट यू कैन विजिट द रैगडॉल म्यूजियम. But before that, I'm going to take rest over here and enjoy the swinging. तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मैं इस वीडियो क्लिप की एक लोकेशन शेयर करूँगी, तो वो ये जगह है. एक क्लिप यहाँ पे भी शूट की गई है इस वीडियो की, ये वाला सीन. अरे सुन ना, म्यूजियम चलें? मैंने कब मना किया? 2 सेकंड बैक तो सही, फिर चलते हैं ना. नहीं अभी चल. तो इनके साथ चलिए हम भी एंजॉय करते हैं ये स्मॉल ट्रेडिशनल इंडियन विलेज लाइफ. यहाँ पर जो है विलेज लाइफ इतनी अच्छे से दर्शाई गई हुई है, क्योंकि मैं खुद गांव से बिलोंग करती हूँ, तो मैं इन सारी चीज़ों को जो है कोरिलेट कर पा रही हूँ हमारे गांव के लाइफ से. आपको जान करके ये हैरानी होगी कि सम ऑफ दीज स्टॉल्स आर एक्चुअली मेड बाय नेक चंद हिमसेल्फ. वो क्या करते थे कि चंडीगढ़ के दर्जे के पास जा करके कतरन जो होते हैं ना, कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े, उनको इकट्ठा करते थे और फिर उनकी पहले सिलाई करते थे. सिलाई करके एक शीट बनाते थे उन कतरनों की, और उसके बाद उन शीट्स से जो है डॉल बनाई जाती थी. इसीलिए आप जितनी भी डॉल्स देखोगे सब कलरफुल हैं, क्योंकि कोई भी एक सिंगल कपड़े से नहीं बना हुआ है, सब कतरनों से बना हुआ है. तब कैसा लगल तो हम लोगों के ही गाँव? बढ़िया बना, एकदम झक्कास. जब हम डॉल म्यूजियम से आगे बढ़ेंगे देन वी विल गेट टू सी अ रूम. मैं इसे जनरली रिकॉर्ड रूम का नाम दे रही हूँ, क्योंकि इसमें वो सारी तस्वीरें हैं जिसमें जो है गार्डन की जर्नी को दर्शाया गया है. अभी तो फिलहाल इस रूम में ताला लगा हुआ है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं.
अभी ये एरिया एक्चुअली अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी पूरी तरह से ये बना नहीं है। तो मैंने राता लंबिया जो गाना है उसका एक क्लिप आपको स्विंग के पास में दिखाया और दूसरा क्लिप यहाँ पे शूट हुआ है जो ये वाला है। ये सारी चीज़ें तो है ही है यहाँ पे, पर इसके साथ में यहाँ पे एम्फी थिएटर भी बना हुआ है, ये देखिए। तो चलिए, मैंने आपको फेज 3 पूरा घुमा दिया है। अब जहाँ से हमने एंट्री की थी वहीं से एग्जिट है, इसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट दोनों एक ही है, सेम। तो यहाँ से निकलने के बाद फेज 2 होते हुए हम जो है बाहर पहुँच जाएंगे रॉक गार्डन के, और एग्ज़िट के जस्ट राइट साइड में ये सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। ज़्यादा महंगे नहीं हैं, रीज़नेबल प्राइस में हैं, तो आपको जो अच्छा लगे आप यहाँ से ख़रीद सकते हो अपने लिए, अपने फैमिली के लिए। तो मैंने यहाँ से इस विन टाइम का प्राइस पूछा। ये कितने का है? प्राइसिंग तो सही है बट मैंने लिया नहीं, क्योंकि मेरी यही गंदी आदत है, मैं पूछ पूछ करके रख देती हूँ। और फिलहाल तो अभी मुझे बहुत तेज़ भूख लगी, तो पहले हम कुछ खाएंगे उसके बाद फिर हम जाएंगे सुखना लेक में। अभी भी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, अभी हमें सुखना लेक जाना है, ठीक है? एक तो पहले हम यहाँ से खाएंगे टिक्की चना। कैसा है? तो हमने ये जो टिक्की चाट खाई उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। फिर उसके बाद हमने जो है यहाँ से भेल ट्राई किया, इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। तो चलिए अब चलते हैं सुखना लेक। और हाँ, जब आप आगे बाहर निकलेंगे तो आपको ये कैमल राइडिंग करने का भी मौका मिल सकता है, तो आप अगर चाहें तो ऊँट की सवारी भी यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए फिर सुखना लेक चलते हैं। तो रॉक गार्डन से सुखना लेक की जो दूरी है वो अप्रॉक्स 2 किलोमीटर है। सुखना लेक के लिए एंट्री करते हुए सबसे पहले आपके छोटे छोटे शॉप्स दिखेंगे जहाँ पे आप खा पी सकते हैं और कुछ शॉपिंग्स भी कर सकते हैं। और फिर जब इसके आगे हम बढ़ेंगे तो ये रहा हमारा सुखना लेक। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ में अपने कुछ हसीन पल जो हैं वो शेयर करती हूँ। तो चलिए फिर आपको मैं 150 साल से भी पुराना एक पीपल का पेड़ दिखाती हूँ। ये इतना पुराना है कि इसे हेरिटेज ट्री ऑफ चंडीगढ़ भी कहा जाता है। तो हमने साथ मिलकर के सुखना लेक भी घूम लिया। तो अब चलते हैं रूम की तरफ। तो मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने मास्क नहीं लगाया है तो आपको फाइन देनी पड़ सकती है यहाँ पे। तो फिलहाल चंडीगढ़ का जो ट्रिप है वो यहीं पर समाप्त होता है।